हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा आपके सामने है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नॉन टीचिंग पदों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 48 है। 1 दिसंबर से ऑलरेडी ये स्टार्ट है। लास्ट जो डेट है वो 21 दिसंबर है जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिहार के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन टीचिंग पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट mgcub.ac.in पर जाके चेकआउट और अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट है 48। अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है, किसी में 4, 1, 2, 3, 5 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट और एलिजिबिलिटी वाइज आप इस पोस्ट की अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 है। एजुकेशन की बात करें, इसमें आपका 10th+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये हैं और ग्रुप ए पदों के लिए नंबर, यानी कि इसमें कैटेगराइज है ए बी सी, और ए अगर जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करते हैं तो 1500, बी पदों के लिए अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी तो 1000, और वहीं सी पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम है 1000 रुपये। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जीएसटी फीस अलग से देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज वो लागू रहेगा। तो ये आप देख सकते हो सैलरी इसमें जो है level 1 से लेकर level 10 तक सैलरी डिसाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज। सिलेक्शन जो होगा वो होगा, पहले MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग की जाएगी। तो ये आप देख सकते हो। आगे नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो ये आप देख सकते हो नोटिस रिक्रूटमेंट का नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। ये 70 पेज का नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो, और इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड करके दिया गया है कैसे प्रोसीजर है ये सब, फॉर्मेट वगैरह, पेमेंट का, फीस का। तो ये आप देख सकते हो 1500 जनरल के लिए, ये है SC ST के लिए, तो यानी कि ए ग्रुप के लिए 1000 रुपये है, बी के लिए 600 और सी के लिए 600, और जनरल OBC और EWS के लिए ग्रुप ए के लिए 1500, बी के लिए 1000, सी के लिए 1000। तो ये आप देख सकते हो डेट का 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक, कलेक्शन डेट है 22 से 25 तक, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है exam.nta.ac.in पर, या नेक्स्ट cu.rect.nta.online.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। फिर डिस्क्लेमर दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है वेबसाइट से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, ये आप देख सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहेगी, और नंबर ऑफ जो पीरियड है प्रोबेशन का कि कब तक आप रिजाइन नहीं दे सकते, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है, बिफोर अप्लाई आप ये पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट की डिटेल दी गई है जी। तो ये थी बेसिक डिटेल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट लिंक, तीनों लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बिफोर अप्लाई आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।